देखो इधर क्या हो गया। एक्चुअली हमें ना चालू करके लेके जाने का था, अभी ये ना चाबी से स्टार्ट नहीं होता, इधर खड़ा किया था ये देखो, मतलब थोड़ा सा ये स्लूप है ना, तो इसकी वजह से चालू करके ना लेके जाने का था। और आप देख मतलब कब गया हमें भी नहीं पता, रात को शायद ऑटोमेटिक ही गया उधर, तो अभी ना चालू ही नहीं हो रहा अभी ये देखो। तो रोज यहाँ पे खड़ा होता है तो यहाँ पे ना थोड़ा सा क्लच छोड़ जाना नीचे जाता है, तो अभी बंद हो गया। तो कॉल करके मैकेनिक को बुला लिया है, और ये बता तो हमारा ट्रैक्टर नहीं है, ये ट्रैक्टर है क्या हुआ, हमारे दोस्त का ट्रैक्टर है भाई साहब, तो उन्होंने बुला लिया है। तो अब ये चालू करके देंगे और फिर लेके जाएंगे हम खेत में। ये देखो हो जाएगा शायद अभी, चालू कर कर दिया, और इंजन को अभी ना साइड पे लगाने का है। तो गाइस आज हमारे खेत में होने वाली है चिकन बिरयानी की पार्टी, और हमारा साथ में हमारा दोस्त भी है, और हम ना पूर्णा को आए थे चिकन लेने के लिए, मतलब बिरयानी का सब सामान ले लिया है हमने। और रास्ते में देखो भाई साहब इतने सारे ट्रैक्टर्स खड़े हैं यहाँ पे, इसलिए खड़े हैं कि यहाँ पे थोड़ी हमारे यहाँ पूर्णा शुगर फैक्ट्री है ना, इसकी वजह से। देखो भाई साहब हम आ चुके हैं घर, सॉरी खेत पे, और देखो इतने सारे सब मसाले रखे हुए हैं यहाँ पे, देखो कोतंबीर अदरक बिदरक सब यहाँ पे है। अभी चालू कर देंगे भाई साहब इधर आग लगाने में, वो चूल्हा तैयार कर रहा है, और मैं यहाँ पे चिकन धो रहा हूँ। एक दो बार मैंने पहले धो लिया है, और अभी और एक बार साफ पानी से धोऊँगा अच्छे से। और यहाँ पे देखो आँच लग चुकी है, अभी देखते रहो आप, बहुत ख़तरनाक बोले तो ऐसे बिरयानी बनने वाली है अभी ना। ये देखो भाई साहब हमने रख दिया था, अभी मैंने ना थोड़ा हीडो कट करके बनाए, तो बहुत लंबा हो जाएगा ना इसकी वजह से। मैंने अभी खेत में ना लाइट नहीं है, इसकी वजह से थोड़ा आपको क्लैरिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, सो इसके लिए सॉरी गाइस। अभी खेत में कहाँ से लाइट होगी, तो ये जो को अच्छा बन गया, अब इसको एकदम फ्राई करके ना साइड में ले लेंगे। गरम मसाला डालने के लिए, और मतलब पूरा पेस्ट बना के डालने के लिए, और एक रखा है ये देखो। अब हम हमारी सब्जी बन रही है, 7:30 बज चुके रात के अब, तो अभी हम ना ये देखो हमारे खेत में है, और ये देखो पूरा यहाँ पे चिकन बिरयानी का पूरा सामान रखा हुआ है, और इधर देखो भाई साहब इधर मसाला मसाला बन रहा है देखो। और एक प्रॉब्लम है यहाँ पे ना, कुछ लाइट नहीं है यहाँ पे, तो इसकी वजह से ना अभी हम डायरेक्ट बना के ही आपको दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी टॉर्च लग रही है ना, तो जो भी बनेगा ना दिखाएंगे आपको। तो अभी बस इतना ही, क्योंकि यहाँ पूरा अंधेरा है ना, तो टॉर्च लग चाहिए। पानी भी नहीं ओके है, ये हमारा देसी टाइप का है सब कुछ, तो टेंशन नहीं लेने का, थोड़ा बड़ा बड़ा रह गया है, कोई बात नहीं, हमारा दांत है ना बड़ा बड़ा उससे बारीक चुभाएगा। हमने ना जो उतारने के लिए रहता है ना वो ही नहीं लाया, चिमटा पकड़ कुछ भी बोलो, ऐसा पलट पलट के पकड़ो, पकड़ो। देखो हम भाई देसी जुगाड़ सब कुछ हमारा देसी जुगाड़ से बन जाता है, ये देखो कुछ ले रहा भाई जान, ये लेना कोई इतना परेशान, ऐसे गिर गया दिख हो गया। अब क्या करने का, इस पर डाल दे ऑयल, डाल दे और फ्राई मार दे, हाँ फिर क्या, ठीक है कुछ है ऐसा। अभी हम ना फ्राई करने वाले हैं थोड़ा सा, अभी देखो कैसे फ्राई निकल के लेते हैं, थोड़ा सा साइड में अच्छा वाला। अभी
ऑयल दूँ क्या भाई? अभी तू ही लगा रहा, मेरे को बोल रहा बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ भाई जान भाई साहब, इतना ऑयल बोले तो इसके वजह से दिल का दौरा पड़ रहा है, और मेरे को पता नहीं भूल गया साला, दिल में मेरे दर्द हो रहा है, उसकी मेडिकल से मैं गोलियां लेके आया हूँ। अभी आप बोल रहे होंगे आप बिरयानी बना रहे हो कि क्या, भाजी बना रहे हो? वैसा कुछ भी मत सोचो, अभी कुछ देर बाद बिरयानी है, लेकिन हमें ना थोड़ा सा फ्राई साइड में ले रहे ना, इसकी वजह से ये लोगों ये कुछ ऐसी में ऑयल बहुत ज़्यादा हो गया रे सही में। तो ये देसी टाइप का है भाई, लोग तो हमें ऐसे ही बनाते। हमने ज्यादा पीस नहीं निकाली, थोड़ा सा ये देखो, अरे भाई जान इधर पहले खा चुके हैं। थोड़ा सा हमने खाया है, तो हमने यहाँ पे देखो थोड़ा सा पीस निकाल के रखा है, ये देखो मतलब ज़्यादा निकला था, वो क्या है ना स्टोरेज फुल हो गया था, तो मैं डिलीट कर रहा था भाई जान इधर, आपने चालू था खाने के लिए। तो कोई नहीं, ऐसे बोल रहा था, ये देखो इधर कितनी खूबसूरत दिख रही है, और मैं यहाँ से ना चेक किया, मक्खन के जैसी नरम हो गई है। तो ये हमारी बिरयानी, अभी टेस्ट आपको बता दी, एक मिनट रुको। जबरदस्त खतरनाक इसको बोलते हैं एकदम ओके। तो चलिए खाते हैं, मिलते हैं बाद में, अभी थोड़ा सा नमक कम करिए। तो ये कुछ थी अपनी देसी बिरयानी, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, और जो भी नए चैनल पे आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये ना रात को गायब हो गया था, और अभी सुबह आ गया, जो रात की बिरयानी बची थी ना इसको हमने अभी डाल दिए, देखो।